माता दी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होगे, मस्त होगे। और जी बस मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और आज आ रखा है पानी, तो मैं लगा देती हूँ पहले अपने कपड़ों में मशीन। और अभी सुबह के है ना 5 o'clock हुए हैं और मन्नत पतिदेव सो रहे हैं। और मैं जिस दिन पानी आता है उस दिन मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को कपड़े धुलने रहते हैं और भी साफ़ सफाई का हो जाता है जिस दिन पानी आता है, क्योंकि एक दिन छोड़ के और एक दिन हमारे पानी आता है। तो सबसे पहले उठते ही अपने हाथ मुंह धुल के मंदिर की लाइट जला दी और फिर आ गई मैं अपने कपड़ों की मशीन लगाने। तो पहले कपड़ों में मशीन लगा दो और उसके बाद मैं फिर अपने बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय बिना है ना मेरा बिल्कुल भी काम नहीं होता। ये तो ये है कि चलो ठीक है मशीन लगानी है, पानी आ रखा है तो मैं मशीन लगा दी, और नहीं तो सबसे पहले मैं अपनी चाय पीती हूँ। और आज देखो ज़्यादा जल्दी है तो मैंने पति देव को उठाया नहीं, क्योंकि 5:30 हो गए, कपड़ों में मशीन लगाई है और चाय वाय बनाई, हाथ मुँह धुला, तो 5:30 हो गए। तो 5:30 बजे इतना जल्दी उठा के इनको करूँगी भी क्या? तो बस मैं अपना काम निपटा लूँगी, ये चुपचाप सोते रहेंगे, क्योंकि यार हम तो देखो दिन में भी सो लेते हैं और ये लोग जाते हैं ऑफिस, तो फिर पूरे दिन काम तो ये भी करते हैं ना, ये भी थकते हैं। तो बस मैं ही बैठ के आज पी रही हूँ गली में चाय। और देखो मेरी बैक साइड में है ना गली है, तो वो जैसे कि हमें वो वेंटिलेशन के लिए है, तो बस खाली वो यूज करने के लिए है, इसमें एंट्री नहीं है किसी की। अगर जैसे कि आने जाने की एंट्री हो, किसी की एंट्री नहीं है, तो इसमें जैसे बैठ जाते हैं हम चेयर डाल के या कपड़े सुखाते हैं। मेरे बहुत सारे पेड़ पौधे भी यहीं रखे हैं, तो मैं अपने पेड़ पौधों में ही बैठ के चाय पी रही हूँ। और मेरे सामने देखो मोगरे का वो है, और ये बिल्कुल छोटा सा पॉट में है ये मोगरा, और इसके इतने फ्लावर आते हैं और खुशबू, वाह मज़ा आ जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अब तो खैर ये है कि मौसम सही होगा ना, तो सारे पेड़ पौधे अच्छे चल रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडा होती है उसमें भी है ना पौधे मर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसमें भी मर जाते हैं। है तो गर्मी बहुत ज़्यादा, पर अपनी थोड़ी केयर करती हूँ मैं पौधों की गर्मी में, जैसे कि क्योंकि पहले पहले तो है ना मेरे पौधे बहुत मरते थे गर्मी में भी, लेकिन अब क्या है कि अब मुझे पता चल गया, क्योंकि कई सालों से मैं अपने पौधे लगाती हूँ। और तो देखिए अब सुबह सुबह मैं पी के चाय और अपना करने लग गई पीसना, क्योंकि ये धुल तो लिए थे मैंने पहले ही, और अब इनमें जो क्या होता है वो छोटा छोटा बीज होता है ना, वो धुलने से नहीं गया, तो धुल के सूख लिए थे ये 2 दिन, और अब इनको कर देती हूँ मैं पीसना। तो फिर मैं ये झरने लेके आई, उस झरने से है ना वो सारा बीज नीचे निकल जाएगा, और उसके बाद फिर मैं अपने साथ के साथ कपड़ों वाला भी होता रहेगा मेरा, और किचन वाला भी निपटता रहेगा, क्योंकि अभी किचन में तो खाली मैं चाय चाय बना के लेके आई हूँ, किचन में मैं गई नहीं हूँ, इतनी जल्दी भी क्या करूँगी। तो पहले सोचा कपड़ों में मशीन लगा के और पीसना कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी किचन में। और फिर ये है कि साथ के साथ किचन भी होता रहेगा और साथ के साथ मेरी डस्टिंग भी चलती रहेगी। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ मैं पीसना अपना। और हाँ हमारे हरियाणा में तो है ना इसको पीसना ही बोलते हैं, जैसे गेहूँ या बाजरा जो भी हम इनको जैसे साफ करते हैं ना, तो हम इसको पीसना बोलते हैं। और आपकी साइड क्या बोलते हैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, आप इसको साफ़ करना बोलते हो या पीसना बोलते हो या क्या बोलते हो, लेकिन हमारी हरियाणवी भाषा में तो इसको पीसना बोलते हैं, और वैसे इसको साफ़ करना भी बोल देते हैं, आग चलो साफ़ करते हैं, पर हमारी भाषा में इसको पीसना बोलते हैं। तो मैं कर लेती हूँ पीसना, हो गया मेरा पीसना, और अब मैं आ गई किचन में। तो देखियो साथ के साथ एक घड़ी तो मैं निकाल लाई कपड़ों की, धुल गए थे मेरे, और अब मैं बना लेती हूँ सब्जी। देखो अभी 6 बजे, मतलब बजे भी नहीं है, 6:45 हुए हैं अभी तो। अब और जिस दिन मैं कपड़े धुलती हूँ ना उस दिन मैं कोई ज़्यादा ये नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम वाली सब्जी बनाऊँ, बिल्कुल आज मैं लौकी की, आलू की और प्याज की सब्जी बनाऊँगी, बिल्कुल सिंपल वाली, क्योंकि ये क्या है जल्दी बन जाएगी। और ये लौकी है ना मैं लेके तो आई थी कोफ्ते के लिए, मेरी बेटी ने बोला था कि मम्मा कोफ्ते बनाना, लेकिन और कोई इतनी जल्दी बनने वाली सब्जी मेरे पास थी नहीं, तो सोचा चलो इस लौकी की सब्जी बना दूँ। और गर्मी में क्या है कि सिंपल ही खाना थोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर मैं बनाने लग गई अपनी सब्जी, और सब्जी भी मेरी साथ के साथ बनती रहेगी और साथ के साथ मेरा और काम भी होता रहेगा। तो छोटे छोटे मैं अपने काम है वो मैं अपने
निपटा लेती हूँ, और जब तक ये लोग उठेंगे जब तक तो मेरा मतलब मान लो सारा ही काम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं और 6 मतलब वो उनको उठाऊंगी मैं 7 साढ़े 7 बजे। तो जी देखिए सुबह का सारा काम निपट गया था और अब मैं आ गई हूँ नहा के, पतिदेव वो ऑफिस चले गए क्योंकि मेरा खाना वाना सब चीज़ बन गई है और हम करेंगे अब पूजा। मन्नत को नहलाया, क्योंकि क्या है ना आगे आजकल मैं थोड़ी जल्दी उठ लेती हूँ ना, तो काम ही निपटा के फिर मैं नहा लेती हूँ और हमारा खाना भी बना लेती हूँ, और नहाने के बाद में है ना किचन में जाने का मन नहीं करता, तो मैं पहले जल्दी उठ के अपना काम निपटा के और फिर ही नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ पूजा और उसके बाद में खाती हूँ खाना। तो अब बस मन्नत कर रही है पूजा की तैयारी और मैं अपनी कहेंगी कर लेती हूँ। और हाँ इस टाइम में बाल है ना इतने निकल रहे हैं, इतने निकल रहे हैं ना क्योंकि पसीने से वो चिपचिपा होके खुजली होके, तो कहेंगी करती हूँ ना तो फर्श में इतने सारे बाल गिर जाते हैं, उनको उठाना है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको मैं इकट्ठा जैसे कहेंगे वाले बाल होते हैं उनको निकाल के उसके ऊपर हाथ फेर लेती हूँ ना, तो उनको एक दूसरे से चिपक के बाल और फिर वो आ जाते हैं। तो चलिए जी अब कर लेते हैं पूजा फटाफट और उसके बाद खाएंगे खाना, क्योंकि मन्नत ने भी अभी खाना नहीं खाया है, तो पूजा कर लेती हूँ पहले मैं। खाना वाना खा के और हम थोड़ी देर में घंटे भर रेस्ट किया, उसके बाद में मैं लग गई अपनी सिलाई पे, और थोड़ी देर मन्नत को टाइम दे के फिर मैं अपनी सिलाई पे लग के, और मन्नत ने अपना होमवर्क करा और फिर मन्नत ने थोड़ा रेस्ट करा, ये सो गई थी एक बार बीच में। तो मैं अब हो गया शाम का टाइम और चाय पी के, शाम के टाइम मैं पीती हूँ अपनी चाय, चाय पी के और मैं लग गई। देखो मेरे पास मलाई इकट्ठी हो रखी थी घी बनाने, तो देखो ये जो हल्के काम होते जैसे घी बनाना हुआ, गरम करना हुआ, या जैसे फ्रिज की सफाई या कोई छोटे मोटे जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ शाम के टाइम, और जो सुबह वाले टाइम है वो मैं मतलब ज़्यादा वो वाले काम करती हूँ जिसमें थकान होती है, क्योंकि फिर वो जल्दी जल्दी सुबह करके, एक तो सुबह मतलब मौसम ठंडा रहता है बाद में तो गर्मी हो जाती है, तो सुबह सुबह वो वाले काम निपटा लो ना तो फिर छोटे छोटे काम शाम को आराम से बन जाते हैं। और क्या करेंगे हम अगर छोटे छोटे काम सुबह कर लेंगे ना तो फिर शाम को थकान वाले काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि दिन में फिर सिलाई भी करती हूँ तो फिर उससे भी थक जाती हूँ मैं। तो अपना घी बना लो, और आज घी में क्या था कि बहुत ज़्यादा मैंने बाहर रख दिया ये थोड़ी देर के लिए, वो चलो थोड़ी देर ही रखती हूँ, और ये हो गया गरम मलाई, पहले तो ये फ्रिज में था, और ये आज बहुत पतला घी हो गया मेरा, हाथों में चिमक रहा है मतलब चिपक रहा है, और इसमें लस्सी भी बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो इसको ऐसे कि ऐसे रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अब ये निकल तो रहा नहीं लस्सी में मिल गया, तो इसको फ्रिज में रख दूँ तो ये हो जाएगा थोड़ा टाइट, उसके बाद में ही निकालूंगी इसको। ये निकलने की मैंने कोशिश तो करी लेकिन निकला ही नहीं। और तो अब हो गए शाम, और शाम को मैं लेके आई हूँ सब्जी, पतिदेव आ गए थे उनको चाय वाय दे के और फिर हम मार्केट चले गए, आज है फ्राइडे, सब्जी लेके आए हैं, थोड़े एक दो सामान थे मन्नत के तो वो लेके आए हैं। और हाँ यहाँ है ना जब हम गांव में रहते थे छोटे थे तो हमने एक ही बात सुनी थी, सुबह सुबह मंडी में जाओ ना जल्दी
तो सब्जी अच्छी मिलती है, फ्रेश सब्जी मिलती है सुबह सुबह मंडी से, क्योंकि घर वाले पापा जी और ये सब आज सुबह सुबह जाके सब्जी ले आओ तो अच्छी मिलेगी ताज़ी ताज़ी। और यहाँ दिल्ली में आके मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि रात में सब्जी की मार्केट लगती है, एक मार्केट लगी है। तो बस हमारे यहाँ लगी थी आज मार्केट, क्योंकि मेरे आस पास में तो है ना संडे को लगती है और एक लगती है फ्राइडे को, दो ही दिन लगती है। तो देखो सर्दी में तो ले आती हूँ मैं फ्राइडे वाले से, तो हफ्ते भर चल जाती है। और गर्मी में फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती, दूध के पतीले, लस्सी, मलाई, कितना सामान हो जाता है। तो बस फ्रिज की सफाई करके और इस सामान को सेट करना, सामान सेट कर दूँ और फिर मैं बनाऊँगी अपनी दाल। दाल को मैंने बॉईल कर रखा है और दाल मखनी बनाऊँगी। तो मैंने राजमा और उड़द सुबह ही भिगो के रख दिया था उठते ही, और अब इसको थोड़ी मैंने सीटी मरवा ले और अब इसको लगा देती हूँ मैं फटाक से छोंक। और छोंक भी मैं बिल्कुल सिंपल वाला ही लगाऊंगा, बता रही ना गर्मी में हम ज़्यादा मसाले वाला नहीं खाते। और हाँ घी में ही बनाऊंगी, क्योंकि दाल मखनी घी में बनाओ ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि देखो दाल मखनी, मखनी मक्खनी हो गया ना, मक्खन से ही तो उसका टेस्ट बढ़ेगा, ऐसे तो उसमें बढ़ता नहीं है। तो बस मैंने घी में जीरा डाला, हींग डाली, और आज बल्कि इसमें मैं प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि प्याज खाने का है ना मन नहीं कर रहा था। तो मैंने डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। अदरक तो मैंने थोड़ी ली है, ज़्यादा नहीं ली, लेकिन मैंने लहसुन लिया, लहसुन की मेरा तड़का लगाने का मन कर रहा था। और इसमें मैं डाल दूंगी साबुत लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च। और अब मैं बना लेती हूँ अपनी दाल को तड़का और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और पूरे दिन काम करते करते है ना इतनी थकान हो जाती है, इस टाइम शाम का खाना बनाना तो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है आके। बस अब कोई और बना दे ऐसा मन करेगा कि खाना बस कोई और बना दे, और हम तो खा खा के और सो जाए, क्योंकि दिन भर काम कर कर के भागम भाग पैर भी इतने दर्द करने लग जाते हैं। पर देखो काम जो करना है सो करना ही है। तो अब बना रही हूँ मैं अपनी दाल, और दाल के है ना हमारी जो ये लकड़ी वाला होता है हम इससे थोड़ी वो कर लेते हैं, मतलब इसको मिला लेते हैं अच्छे से तो वो घुट जाती है, राजमा और उड़द थोड़े और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और अब मेरी है ना दाल बन के हो गई है तैयार। और अब इसमें बस मैं घर की मलाई डालूँगी, करीम डालूँगी नहीं, क्योंकि करीम मैं डालती नहीं हूँ, किसी सब्ज़ी में भी नहीं डालती। और मैं इसमें डाल दूंगी बस दाल मखनी मसाला ऊपर से, और मसाले तो मैंने फालतू डाले नहीं, क्योंकि लाल मिर्च, हल्दी और धनिया हल्का हल्का डाला था ऊपर से, वो डाल दूंगी मलाई। और अब मेरी बन गई दाल मखनी तैयार, और ये देखो खाने में भी कितनी अच्छी है, दिखने में कितनी अच्छी है उतनी अच्छी खाने में है। और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती और करीम, और आ जाइए आप भी खा लीजिए। और ये देखिए मेरी दाल मक्खनी कितनी अच्छी लग रही है।